जीडीयू उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने शुक्रवार को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की सुनवाई की, जिसके संबंध में जीडीयू उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि महायोजना 2031 पर 11,500 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिसमें से अधिकतर आपत्तियों की सुनवाई की गई है। जो आपत्तियां बचेंगी उनको शनिवार को सुनकर समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग नहीं आ पाए हैं उनका अगले सप्ताह में सुनवाई की जाएगी, जिसमें 1 से 2 हजार तक आपत्ति करने वाले नागरिक सोमवार को आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। इसी तरह हर दिन 2 हजार नागरिकों की सुनवाई की जाएगी। जो लोग पहले आ चुके हैं उनको आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी कारण से नहीं आ पाया है वह लोग आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी आपत्तियों पर सुनवाई के बाद जीडीए के द्वारा बनाई गई समिति की बैठक करके निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय को बोर्ड में रखकर पास कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, सर, नंबर बताइए क्रम संख्या, बैठ जाइए। और ये सर आपत्ति संख्या 9850 10620 अफरोज बेगम जी 31 का, एक मिनट सर, 31 में नहीं मालूम क्या हुआ है, पुराने में जो है वैसे ही रखा गया जी, सर ने उसको आवाज ही किया जी। हुमायूंपुर से और कोई है? हाँ सर, 8730 सर हो गया रुस्तमपुरा संडे जी सर, उसमें निवेदन कर रहे हैं कि रुस्तमपुर ढाले से कैट की तरफ जब रोड जाती है, जो बाएं तरफ व्यवसायिक है और दाहिने तरफ आवासीय कर दिया गया है, जबकि इधर भी व्यवसाय हो रहा है उधर भी व्यवसाय हो रहा है, ढाले से कैट चौराहे के बीच में दाहिने साइड में भी जितने व्यवसाय कर रहे हैं उसको व्यवसायिक एरिया बनाया जाए, यही निवेदन कर रहा है। कैट चौराहे के बीच में सर 10283 से मकान बना के रह रहे हम लोग और नगर निगम से रोड वगैरह सब बन चुकी है जी। फिर भी ग्रीन लैंड में दिखाया जा रहा है तो सर आवासीय किया जाए। बोलने के बगल में पुलिया बन गई है और वह मार्केट का बाजार था तो अब तो भागों में डिवाइड हो गया, हम लोग किसी तरीके से उसके आवास और वो कमर्शियल 271 10,271 हरिवंश और 10,248 जैसे सर दुकान बना हुआ है तो हम लोग सर चाह रहे हैं कि उसको आप कमर्शियल कर दीजिए, दुकान ही रहे। कुल 11,500 के आसपास आपत्तियाँ हमें प्राप्त हुई थी, लगभग आज हम लोगों ने उनको सुनवाई जो है समाप्त कर देंगे। थोड़ा बहुत जो आज बचेगा उसको हम कल का दिन भी हम लोगों ने रिजर्व रखा है तो कल एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में अगले वीक में भी हमने ओपन रखा है। जो लोग इस दौरान नहीं आ पाए वो अलग अलग दिनों में अलग अलग क्रमांक के साथ में, जैसे उदाहरण के लिए क्रमांक नंबर 1 से लेकर 2 हजार तक सोमवार को आ सकते हैं, 2 हजार से 4 हजार मंगलवार को आ सकते हैं, फिर 4,000 से 6,000 बुधवार को आ सकते हैं। इस प्रकार हर दिन 2-2 हजार के क्रमांक हम टेकअप कर रहे हैं, पूरा वीक हम लोग इसके लिए ओपन रखा हुआ है। अगर वो लोग जो लोग पहले आ चुके हैं उनको आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई लोग जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं या उनको कोई कम्युनिकेशन लेट हुआ या जो भी कारण हो सकता है तो वो लोग यहाँ पे आके अपनी बात को कह सकते हैं। मैं पुनः अपील करता हूँ सभी गोरखपुर वासियों से, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनको यहाँ दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। सर आगे किस तरह आपत्ति सुनने के बाद आपत्तियों की सुनवाई जब पूरी हो जाएगी तो हमारी जो समिति है मेरी अध्यक्षता में इन सारी आपत्तियों को फिर हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे कि कहाँ पे हमारे पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट ऑर्डर्स और रूल्स बायलॉज इन सब का एक राइट बैलेंस बनके हम लोग क्या बेस्ट निर्णय गोरखपुर के हित में ले सकते हैं वो निर्णय लिए जाएंगे और उसके बाद फिर बोर्ड की बैठक के माध्यम से शासकीय समिति में इसको रेफर किया जाएगा।